अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रीन मसाला। चिकन ग्रीन मसाला बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन ली हूँ, और ये हमने कोथमीर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और ये हमने चार मगज लिए हैं, ये हम साथ में पीस लेंगे, और इसके बाद में हम आगे मसाला बताते हैं। हमने देखो ये मसाला पीस के रखे, इसमें मैंने बताई थी आपको अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, चार मगज, कोथमीर, ये सब हमने इसमें पीस के रखे थे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम एक नींबू भी ऐड करेंगे। नींबू के अंदर बीजे आ गए। इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे एक कटोरी। इसके अंदर हम गरम मसाले की बुकी ऐड करेंगे थोड़ी सी, कि गरम मसाले की बुकी हम ऐड करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा हल्दी ऐड करेंगे थोड़ी सी। इसके अंदर हम नमक भी ऐड करेंगे। धनिया की बुकी भी हमको थोड़ी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें मसाला लगा लिया अच्छी तरह से। अब इसको हम रहने देंगे। और ये हमने प्याज कटिंग करे हैं दो बड़ी चॉपर में। और अब इसके अंदर हम तेल ऐड करेंगे, जो हमने पहले से इसको गरम रखे थे। और इसके अंदर हम कटिंग करेंगे प्याज डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से बादामी होने देंगे। इस तरह से प्याज को हमने बादामी कर लिए हैं। और इसके अंदर में मसाले में थोड़ा सा जायफल भी डालूंगी, हल्का सा जायफल की ज़रूरत है हमको, ज़्यादा नहीं। बस थोड़ा सा, इसकी खुशबू ज़रा अच्छी आएगी हमारे मसाले में। अब इसके अंदर हम ये जो मसाला लगा के रखे थे वो ऐड करेंगे। इसमें इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तेल ऊपर आए तक का हमको इसको भूनने का है। अब इसको हम अच्छा भूनेंगे। चिकन ग्रीन मसाला हमारा देखो बनके माशाल्लाह तैयार हो गया है। ये देखो मसाला भी अच्छे से हुआ और इसका कलर भी अच्छे से हुआ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये फ्रेश क्रीम अमूल का जरा सा, और उसके बाद में एक दो मिनट में हम इसको बंद कर देंगे, नहीं तो ये क्रीम हमारा एकदम फट जाएगा। ये देखो बिस्मिल्लाह, इस तरह से देखिए मस्त हो गया एकदम। यह हमारा बनके सालन तैयार हो गया, चिकन ग्रीन मसाला। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।